जय जवान जय किसान संगठन ने विभिन्न मांगों पर विचार नहीं होने, नाराजगी जाहिर की, चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया। चुरिया जय जवान जय किसान संगठन ने कंवर धर्मशाला में बैठक लेकर किसानों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जबकि प्रशासन को आवेदन देने बावजूद अब तक वनांचल क्षेत्र 40 गांव में सिंचाई सुविधा नहीं एवं 40 किलोमीटर दूर धान बेचने किसानों को सोसाइटी आना पड़ता है, बिजली समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जोब में धान खरीदी केंद्र एवं गेरुघाट में डैम बनाकर किसानों को सिंचाई सुविधा देने की मांग लगातार की गई थी, लेकिन अब तक उनकी मांगों का सुध नहीं लिया गया। किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो किसानों के प्रति सकारात्मक सोच रखेगा उसकी सरकार छत्तीसगढ़ में होगी। विधायक सहित अधिकारियों को लगातार आवेदन पश्चात अब तक कोई पहल नहीं की गई। वरांचल क्षेत्र के 40 गांव में सिंचाई की सुविधा नहीं है, जबकि मनोहर जलाशय में छत्तीसगढ़ का पानी जाता है, जिसे डैम के रूप में बना दिया जाए तो किसानों की समस्या दूर हो जाएगी। बिजली एक गंभीर समस्या है, आए दिन बिजली की समस्या वनांचल क्षेत्र जूझ रहा है। जोब में धान खरीदी केंद्र अब तक नहीं खुल पाया, वहीं राजीव न्याय का चौथी किस्त सरकार जारी करे, आचार संहिता के बाद राशि नहीं मिलेगा। प्रशासन किसानों की मांग गंभीरता पूर्वक विचार के, अन्यथा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। मैं भुवनेश्वर नेताम, ग्राम मरका कस से। बिजली निरंतर अभी 32 केवी के वाट यहाँ लगा है बमनी में, फिर भी हमारा निरंतर वो क्षेत्र जो जंगल क्षेत्र है वाला बिजली निरंतर नहीं मिल पाते। कभी कभी रात भर लाइट गोल हो जाते, कभी वोल्टेज की समस्या है, ऐसे लगातार आते जूझा था ना मानो कर से बिजली से। अब बोले गिरी शासन प्रशासन से कि बमनी में जैसे सब स्टेशन खोले के बाद कि सभी किसान ला मतलब बराबर बिजली वोल्ट मिल ही, लेकिन अभी तक ऐसे कुछ हो ही नहीं है। और रही बात हमारे बड़े भैयामान बोली से जलाशय के, तो वाकई में जलाशय हमारे 50 गांव पर बहुत जरूरी है। जो मनोहर जलाशय में जो हमारे बड़े नाला जाते बोला घेरुघाट के आसपास अगर बांध बना दिया जाए तो वो पूरा थी अपन बागनंदी तक के मतलब गाँव वाला पाल सकते हैं। जो आज के अकाल जो पीड़ित में रहते ना, वो अकाल पीड़ित मतलब डर सकते हैं। और ये सब स्थिति हमारे स्थानीय विधायक जो है अभी वर्तमान में वो जानत है, और किसान मन संघ हर समय चले भी है पहले विधायक रहने के पहले, आज नकारा थे विधायक बनने के बाद। विधायक बनने के बाद अब खोबा में कम से कम 50 गांव किसान बैठ के वो चीज़ भले की से, और पहली बात और हमारे मोगरा में भी जाके निरीक्षण भी होगी से, अभी फिर भी वो चीज़ नकारत हो गए। 5 साल ऐसे नहीं निकल गए तो अभी तक कोई है नहीं है। और रही धान केंद्र के जॉब में, तो विगत 2 वर्ष से प्रयास चालू है कि वहाँ जॉब में मतलब केंद्र खोला जाए। किससे बात की? अभी लगात सभी शासन प्रशासन से चला थे, वो अगले साल तो हो सके तो वो उद्घाटन होना चाहिए करके हम ये चतरा भी डाल रहे हैं कि जमीन ला की जगह में उद्घाटन होना है, लेकिन वो हो नहीं पाई। इस वर्ष भी वहाँ लगभग 10 गाँव के किसान ला जो है खोबा ले जाए परेशानी हो जाते, धान लगभग 15 से 20 किलोमीटर ज़्यादा पड़ते मान के चल खोबा जाना, तो ये सब चीज़ परेशानी से जूझते किसान मन है। तो यही हमारे शासन प्रशासन से मांग है कि भी हमार जो मांग है तो 1 नवंबर के तक के कर दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाए, पूर्ण हो जाए, नहीं तो फिर किसान अपन जो बोला थे चुनाव ये करना वो हम बात दे रखबो। अच्छा, मोर नाम मुरलीराम यादव है, मैं हर भजरट लोग किसान हर हूँ। मोर प्रमुख मांग ये है कि किसानों के मांगे और मोर संगवारी किसान संगठन के ये है कि ये बघेल सरकार है तीसरा किस्त जल्दी रहे और चौथा किस्त अलवा मार्च में दू कथे, तो हमार किसान मन के मांग ल अभी तक के उकर विधायक है कांग्रेस के तेह नहीं पूरा कर सकिस तो ये तीसरा चौथा किस्त कौन जी नहीं दी थे आचार संहिता के बाद कुछ कहा नहीं, सरकार भी तो दी। और हमार मन किसान संगठन मन के ये मांग है कि हमारे किसान के मांग ला पूरा कर ही तिही ला किसान संगठन साथ देबो, बिल्कुल ऐसे हमार पूरा जोर है 50 गांव के।
तो मोर बघेल सरकार से ही निवेदन है कि चौथा किस्त ला आचार संहिता पहली दे दे, तब तो अपन कुर्सी ला बचत रख सकते हैं, नहीं तो खुशी कुर्सी कोई ठिकाना नहीं है। वो हम कहा थे कि रमन हम 2 साल के बोनस ला नहीं दे रही, तेल में दूँ दूँ कहा था, कहूँ रहो कि घोषणा पत्र में रखे रही से, लेकिन वो कोई ठिकाना नहीं है। ये तो चौथा किस्त अभी आचार संहिता पहले अगर डाल दी तब वो विश्वास करेंगे। यही बात है महाराज, और सोसाइटी के रही बात है नहीं का, सोसाइटी की बात रहेगी जॉब वाले तो जॉब करा कि क्या 4-5-7 किसान मन के खोभा आए पर कम से कम 20-25 किलोमीटर पड़ जाते हैं, वो भी मांगला 24 अगस्त तक रखे रहे अपन आम सब छुरिया बस स्टेशन के पास, ओकरो मांग रखथन कि 1 नवंबर के जॉब में बिल्कुल सोसाइटी धान लेना चालू कर दे। 2 वर्ष से चालू हुई है और एला सब चीज ला हमारे स्थानीय विधायक। जय जवान जय किसान संघ द्वारा आह्वान 24 अगस्त ग्राम आम सभा छुरिया के बस स्टैंड प्रांगण में रखे गिरी से, ओमे हमारे किसान मन पूरा 32 गांव के किसान मन निरंतर मांग रखे गिरी से, जो पानी की सुविधा है किसान ला पानी चाहिए वो आज तक के कोई सरकार पूरा नहीं करे, तो वही प्रमुख मांग ला हम फिर दोबारा मांग रखथन। हमार जो किसान के जो मांग पूरा रखी वही सरकार हमार किसान मन संग देबो। अब तो चुनाव आचार संहिता लगने वाला है, चुनाव आचार संहिता लगत है, ओकर बावजूद भी हम हमार जो मांग पूरा नहीं कही था हम चुनाव बहिष्कृत करबो। बहिष्कृत करिए हां, आप मन हां जो है एकर से पहले से अपना तैयारी क्या करना जिसे आप लोग नहीं, हम निरंतर हम लगातार सरकार के संज्ञान में बात रखा था, उनका बावजूद भी सरकार कांग्रेस रहा या बीजेपी रहा दोनों सरकार हमारे बात नहीं सुना थे। हम चाहथन MSP रेट जो है किसान के जो लागत मूल्य है C2 50% जो मांग है ओला सरकार राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो वो अपन पटल में रखे, जो लागत मूल्य जो किसान के लागत मूल्य ला दे। हमार क्षेत्रीय विधायक निरंतर ओकरो पास मांग रखे कि बाकी क्षेत्रीय विधायक किसान संघ हरों करके ओकर बोले के ओकर मौजूद भी अभी तक के हमार किसान के कोई सुनवाई नहीं कर के विधायक के पास के रहे हमार शंकर भाई बताइए। विधायक हमार साथ में घूमे हैं मोंगरा बांध से लेगागिरी से, ओकर बाद में एक टेक्निकल देखे बार महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगे कोटरा डैम भी वहाँ गए थे हम लोग, और उसके बाद पानी के समस्या लेकर के मोंगरा बराज के जो इंजीनियर है उसको भी यहाँ बुलवाया गया था विधायक बनने के। सूर्या से राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए CGVision TV।